बिजनेस के सिद्धांतों के बारे में और बातचीत करते हैं। यदि आप आपके बिजनेस में आपके कोच से, आपके पियर्स जो है, आपके दोस्त लोग है, आपके समव्यवसायी जो है वो है, या विशेषज्ञ जो है, उनसे नहीं सीख रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर रहे। आपको देखना पड़ेगा कि मेरा कोच कौन है, वो हमको क्या सिखाता है, मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, मेरा दोस्त कौन है और वो क्या कर रहे हैं मार्केट में, स्पेशलिस्ट जो है मेरे बिजनेस में वो क्या कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा। तो मुझे ये देखना जरूरी है कि मेरे प्रोफेशनल्स समव्यवसायी है, मेरे पियर्स है, मेरे दोस्त है, मेरे कोच है, तो वो जो लोग हैं वो मुझे क्या बता रहे हैं और मैं क्या उसको अमल में ला रहा हूँ कि नहीं ला रहा हूँ। फिर क्या जरूरी है वो बिजनेस में करना चाहिए और क्या आवश्यक है, मतलब व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज वांटेड। तो वो यदि हम देखते हैं कि क्या आवश्यक है क्या जरूरी है तो वो करना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए, बार बार हार सकते हैं बिजनेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार के बाद में ही जीत होती है। तो हार ठीक है, स्वीकार करो, मगर फोकस फोकस फोकस, यदि आप फोकस करते हो, लक्ष्य केंद्रित करते हो, तो जीत आपकी होने वाली है। फिर आपके बिजनेस में यदि विजन आपका है, आपका उद्देश्य क्लियर है, आपका विजन है, आपका उद्देश्य क्लियर है, आपका आप योगदान दे रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो और बहुत खुश है बिजनेस करते समय, देखो चार बातें हैं, बहुत खुश है आप, एंजॉय कर रहे बिजनेस, आप लोगों के जीवन में योगदान दे रहे हो बिजनेस में, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें लोगों के जीवन में योगदान हो रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आपके उद्देश्य क्लियर है बिजनेस क्यों कर रहे हो और आपका विजन क्लियर है, तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ होगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, एक सिद्धांत है बिजनेस का। फिर यदि आपको मालूम नहीं है कि बिजनेस में क्या करना चाहिए, यदि आप जानते नहीं है कि बिजनेस में क्या करना चाहिए, समझो कोई भी बात है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, या आपको जानकारी है मगर आप कुछ वो जानकारी का कर नहीं रहे, या आप कर रहे हो मगर उससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे मगर वो रिजल्ट्स कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे और आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप कंफर्ट जोन में हो, आरामदेह जिंदगी जी रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी डेथ है, आपकी मौत होने वाली है। तो ये हम प्रिंसिपल, ये सिद्धांत जो है उसका पालन करते हैं, डेफिनेटली हमारी जिंदगी में हम आगे बढ़ सकेंगे, हमारे बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।